पुत्र हनुमान, स्मरण रहे तुम्हारे पास गुरुदेव को ढूंढने के लिए अल्प समय ही शेष है। कल सूर्यास्त से पूर्व ही तुम्हें गुरुदेव को ढूंढकर उन्हें स्वयं को शिष्य के रूप में ग्रहण करने के लिए मनाना होगा। मैं स्मरण रखूंगा देवर्षि। जब तक मैं गुरुदेव को ढूंढकर उन्हें मना नहीं लेता, तब तक मैं एक क्षण भी ना ही कहीं रुकूंगा और ना ही कहीं विश्राम करूंगा। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हनुमत मार्ग अवरुद्ध हुआ, अदृश्य सीमा चक्र छुआ। आगे जलती ज्वाला प्रचंड, ऋषि का तप हो जाए न भंग। अब कैसे आगे जाएंगे, कौन सी युक्ति अपनाएंगे। पराजय नहीं करते स्वीकार, है हनुमत में साहस अपार। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। अब हमें प्रस्थान करने की अनुमति प्रदान कीजिए। कल्याण। क्या हुआ ऋषिवर, आपके मस्तक पर चिंता की रेखाएं दिखाई दे रही हैं। चिंता तो है देव ऋषि, कहीं मेरी ही भांति महर्षि श्रृंगी भी मना कर देंगे तो क्या होगा। वो तो कदाचित ही मना करे, ये तो आप भी जानते हैं और मैं भी, कि अतुलनीय तपोबल और ज्ञान के भंडार हैं महर्षि श्रृंगी। आपका कथन सत्य है देव ऋषि, जितने महान महर्षि श्रृंगी हैं उतनी ही त्यागमय तपोनिष्ठ उनकी पत्नी है देवी शांता। शांत जी, देवी शांता, वो शांता जिन्हें दान में दे दिया गया था उन्हीं के पिता महाराजा दशरथ के द्वारा, और उन्होंने भी अपने पिता का मनोरथ पूर्ण करने के लिए राजमहलों का सुख त्याग कर एक राजकुमारी होते हुए भी एक ऋषि पत्नी होना स्वीकार किया। शांता के पति ऋषि श्रृंगी ने ही महाराज दशरथ की कामना पूर्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपन्न कराया था, और उसी फल स्वरूप अयोध्या नरेश महाराज दशरथ को श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जैसे महान पुत्रों की प्राप्ति हुई। हाँ देवर्षि, उसी यज्ञ के फल स्वरूप जो विशेष प्रसाद महाराजा दशरथ के तीनों रानियों में वितरित किया जा रहा था, उसी प्रसाद से हनुमान और श्री राम के जोड़ने की लीला आरंभ हुई। सत्य कहा आपने ऋषिवर मतंग। जब महाराज दशरथ की रानी सुमित्रा को उस विशेष प्रसाद की खीर दी गई थी, तो एक चील उनके हाथ से झपट्टा मारकर वो खीर ले उड़ी थी। वो चील खीर लेकर उड़ते हुए सुमेरु पहुंची। किंतु तभी उसके पंजों से वो खीर छूट गई। खीर का वो विशेष प्रसाद पुत्र प्राप्ति की कामना लिए तपस्या कर रही देवी अंजना की झोली में जा गिरा, और श्रृंगी ऋषि द्वारा किए गए पुत्र कमेष्टि यज्ञ के द्वारा उत्पन्न उसका विशेष दिव्य प्रभाव अंजना की देह में समा गया। इस प्रकार हनुमान और श्री राम के अंतर संबंधों का सूत्र इन दोनों के जन्म के पूर्व ही स्थापित हो गया था। हनुमान के जन्म में
महर्षि सिंगी का आशीर्वाद भी सम्मिलित है। अतः संभव है कि हनुमान की उस दिव्यता को पहचान कर महर्षि सिंगी कदाचित हनुमान को अपना शिष्य बनाना स्वीकार कर ले। ऋषिवर मतंग ने जिस स्वर्ण कमल वाले सरोवर के विषय में बताया था वो तो यही प्रतीत हो रहा है। यही कहीं ऋषिवर श्रृंगी की कुटिया होनी चाहिए। महाबली हनुमत की रुचि कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम। जय 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 महाबली हनुमान। दिव्य सरोवर को पहचान किया ऋषि कुटीर संधान। माता शांता करती ध्यान यही है ऋषि का तप स्थान। ये गाथा महाबली हनुमत की वो रही कुटिया। लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम। जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम। जय 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 महाबली हनुमान। भीतर जाकर देखता हूँ। तपस्विनी कदाचित ये ऋषि माता ही होंगी। प्रणाम माते। माते क्या ये महर्षि श्रृंगी जी की कुटिया है? मुझे उनसे अति शीघ्र भेंट करनी है। ये दिव्य आभा संपन्न बालक कौन है? ये प्रतीत हो रहा है जैसे मैं इससे अंतर्मन से जुड़ी हुई हूँ। ये गाथा महाबली हनुमत की रुचि कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम। जय 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 महाबली हनुमान। कोमल स्वर में प्रश्न किया माता शांता ने ध्यान दिया। सौम्य रूप छवि मन मोहक सम्मुख उनके खड़ा है बालक। दशरथ पुत्री के भ्राता राम हनुमत को देख रही अविराम। दिवस अंत हुआ इंगित देख हुए हनुमत विचलित। गाथा महाबली हनुमत की रुचि कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम। जय 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 महाबली हनुमान। क्या सोच रही हैं? मुझे कहाँ मिलेंगे? पुत्र ये कुटिया उन्हीं की है। मैं उनकी पत्नी हूँ शांता। महाराज दशरथ की पुत्री। तो आप शीघ्र बताइए वे कहाँ हैं? पुत्र वो यहाँ नहीं है। वो वहाँ पूर्व दिशा की ओर है घने वन में तपस्या। धन्यवाद माते। रुको हनुमान। धिक्कार है तुम सब पर।
इतने बड़े रक्ष योद्धा होकर भी इतने दिनों में एक नर रूपी नारायण के बारे में सूचना नहीं ज्ञात कर पाए। किसी भी कार्य के योग्य नहीं हो तुम सब। लंकेश प्रयास कर रहे हैं, शीघ्र ही वो प्रयास नहीं परिणाम चाहिए हमें। यदि वो नारायण का अवतार है तो हम भी दशानन है। दशानन कुछ भी करके कैसे भी करके मुझे उस नर रूपी नारायण के बारे में सूचना ला कर दो। उस नारायण ने संसार को मेरे आतंक से बचाने के लिए अवतार धारण किया है ना। वो नारायण कहीं पर भी हो सकता है, इसलिए तुम सब हर दिशा में जाओ, मार काट अत्याचार और आतंक शुरू कर दो चारों ओर। इतनी क्रूरता करो कि स्वयं क्रूरता भी धर्रा उठे। हर एक बालक को चाहे वो संसार के किसी भी कोने में क्यों ना पल रहा हो, जहां भी कोई बालक मिले उसका अपहरण कर लो। जो तुम्हें रोकने आए उसका वध कर दो। उन समस्त बालकों को दंडक वन में एकत्रित करो। जहां मैं स्वयं उस नर रूपी नारायण को मृत्यु दंड दूंगा। देखते हैं नारायणी शक्तियां कैसे सफल होती हैं। जाओ। ऐसा ही होगा महाबली। जय लंकेश। जय लंकेश। सोने को है, मुझे शीघ्र ही पहुंचना होगा। ऋषि माता ने तो इसी दिशा की ओर इंगित किया था, यही कहीं होंगे ऋषिवर। बालक हनुमान तो पूरी बात सुने बिना ही चला गया। ऋषिवर विशेष तापस भाव को प्राप्त करने के लिए घोर तप में लीन है, ये तो मैं उसे बता ही नहीं पाई। कहीं कोई अनर्थ न हो जाए उसके साथ। कहीं ऐसा न हो कि हनुमान के द्वारा उनका तप भंग हो जाए, कहीं वो उन्हें श्राप न दे दें। कोई अनर्थ होने से पहले ही मुझे कुछ करना होगा।
क्यों चल रही है वन में? कोई है क्या वहाँ? मुझे कुछ करना होगा। मुझे शीघ्र ही स्वामी के पास पहुंचना होगा। ये अग्नि तो विकराल रूप धारण किए हुए है। यदि ये पूरे वन में फैल गई, तो वन्य प्राणी संकट में घिर जाएंगे। इस अग्नि से तो महर्षि श्रृंगी पर भी संकट आ सकते हैं। मुझे इस अग्नि को फैलने से रोकना होगा। शिवर के तप के तेज से उत्पन्न इन लपटों को पार करके भीतर जाना सहज नहीं है। ये अग्नि की लपटें तो मुझे भीतर जाने ही नहीं दे रही हैं। कुछ तो करना होगा।